स्वरूप धारण करके फिर लीला प्रारंभ कर दी। अब ब्रह्मा जी दूसरी बार धरती पर देखने के लिए आए कि यहाँ पर गाय बछड़ों और बालकों के बिना क्या हो रहा है। देखा तो सब कुछ पहले के जैसा ही चल रहा था। अब वे आश्चर्य में पड़ गई कि कौन से बछड़े बालक सही है, वे सही है जिन्हें मैं ब्रह्मलोक में ले गए या फिर ये सही है। आश्चर्य में पड़ गए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आखिर ये रहस्य क्या है। श्री कृष्ण भगवान की लीला को समझ नहीं पा रही थी, फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि यही साक्षात नारायण है। सभी ग्वाल बालों को गाय बछड़ों को लेकर के वे गए थे। वहां तो ब्रह्मा जी का एक ही पल व्यतीत हुआ, लेकिन धरती पर एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक वर्ष के बाद वे सभी बच्चे जागृत हुए थे। जिन गाय बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, वे गौ माताएं कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो गई। वे कहने लगी कि हे परमात्मा, हमें तो ब्रह्म लोक में अच्छा नहीं लगता है, हमें तो धरती पर आपके सानिध्य में रहना ही अच्छा लगता है। वे व्याकुल हो गई, भगवान कृष्ण का स्वरूप दिखता नहीं। व्याकुल होकर के गौ माताएं प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करती है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तत्व की देही पर बस भटकी दूर कहीं मैं चैन ना पाऊं अब के पर बस भटकी दूर कहीं मैं चैन ना पाऊं अब के गैया तेरी।
माता की जय। जब सारी गाय व्याकुलता से प्रभु का स्मरण करती है, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मलोक में जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ब्रह्मा का रूप ले लिया। ब्रह्मा जी का रूप लेकर के कृष्ण भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में। वहां पर जाकर के ब्रह्मा जी के सेवकों से कहने लगे कि देखो, आजकल एक नकली ब्रह्मा इधर उधर घूमता रहता है, यदि वह यहाँ पर आ जाए तो भली भांति उसकी मरम्मत कर देना, छोड़ना मत, वो मेरा रूप लेकर के घूमता रहता है। इधर सोच में डूबे हुए जब असली ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सेवकों ने मरम्मत शुरू कर दी कि अरे तू तो नकली ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा जी तो राजमहल में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया, अपने सिंहासन पर उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, उन्हें कणकण में भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। अब ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ ये साक्षात नारायण है। भूल हो गई, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पास आए, क्षमा मांगी, स्तुति की, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं बोले, मौन रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भोजन ग्रहण करते समय विघ्न किया था। भोजन में और निंद्रा में विघ्न करना एक पाप माना गया है। तो भगवान तो कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप से वापस अपने गाय बछड़ों को, मित्रों को लेकर के धरती पर आ गए। सभी बच्चे एक साल के बाद जागे थे, लेकिन उनको तो यही लगा कि अभी अभी यह घटना हुई है, इसलिए वे बात जल्दी अपनी माताओं से कह भी नहीं पाए। बाल कृष्ण भगवान के साथ वे बाल बाल रोज खेलने आते थे। उन बच्चों के सद्भाग्य का वर्णन किन शब्दों में करें जिनको साक्षात श्री हरि के साथ खेलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वे कितने भाग्यशाली हैं। भगवान भांति भांति की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन बाल कृष्ण भगवान ग्वाल वालों को अपने साथ में ले करके यमुना नदी के तट पर गेंद खेलने लगे। खेल खेल में गेंद जल में गिर गई। ग्वालाओं ने कहा कि कान्हा, इस जल के अंदर बहुत ही बड़ा जहरीला कालिया नाग छिपा हुआ है, यहाँ का जल जहरीला हो गया तो कोई भी यहाँ का पानी नहीं पीता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात सुनी तो वे यमुना नदी के अंदर कूद पड़े। भगवान कृष्ण जब यमुना नदी के अंदर कूदे तो ग्वाल बाल सब व्याकुल हो गए, रोने लगे। नंद यशोदा को खबर दे दी, सभी वहां पर आए, जोर जोर से रुदन करने लगे, व्याकुल हो गए। श्री कृष्ण भगवान जब पानी के अंदर गए तो नाग की पत्नियों ने भगवान से कहा कि आप यहां से चले जाओ, कालिया नाग को आप जगाना मत। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पहुंच गए कालिया नाग के पास में और उसको जगाने लगे। वह सोया हुआ था, भगवान ने उसको जगाया तो क्रोधित होकर के भगवान को डसने लगा। जैसे जैसे डसता जा रहा था वैसे वैसे जहर अमृत बनता जा रहा। दोनों का युद्ध होता है पानी के अंदर ही। कृष्ण भगवान ने अपने एक हाथ से कालिया नाग की पूछ को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से फन को पकड़ करके फन पर आरूढ़ हो गए, चढ़ गए और फन पर चढ़ करके भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया। सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। सभी देवी देवता इस लीला को देखते हैं, आकाश से फूलों की वर्षा करके भगवान का जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान ने कालिया नाग से कहा कि तेरे कारण ये पानी गंदा हो गया, जहरीला हो गया, अब तो तू इस स्थान को छोड़ दे। कालिया नाग कहने लगा कि प्रभु, जाने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे गरुड़ जी से डर लगता है, वे मुझे खा जाएंगे। भगवान ने कहा कि तेरे मस्तक पर मैंने अपने मंगलमय चरण रखे हैं, तो अब तुझे गरुड़ जी महाराज कभी भी नहीं खाएंगे, नहीं सताएंगे, तू चला जा। सारा जहर भगवान ने निकाल दिया, विष रहित करके भगवान ने उसको रमणीक द्वीप पर भेज दिया। जब पानी के अंदर से लाला सकुशल बाहर निकला, ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ। रात्रि में सभी लोगों ने वहीं पर विश्राम किया। वहां पर